हाँ जी साठ माने 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था होगी। वाणी से परे जावेंगे तो ज्ञान की लाठी लगेगी, वाणी से परे गए नहीं है। दुनिया में भी मनसा वाचा बुद्धि लगी हुई है तो बिनु बैराग विवेक न होई। इस दुनिया से जब तक बैराग नहीं आया है, बुद्धि में बैठा नहीं है कि ये दुनिया खलास होने वाली है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो आज इन आंखों से दिखाई पड़ता है, कल साहब बस हो जाएगा। ऐसा बैराग बुद्धि में आना चाहिए, वानप्रस्थी बनना चाहिए। वाणी से परे चले जाना है तो ज्ञान की लाठी लगेगी। ज्ञान की लाठी अपना काम करेगी, नहीं तो नहीं। हाँ जी हाँ तो बोलो क्या करना है। अमर कथा तीजरी की कथा का, तीजरी की कथा माने ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने की कथा। शंकर ने पार्वती को कथा कब सुनाई? जब तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला तो कथा सुनाई। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो प्रैक्टिकल जीवन में कथा समझ में आती है। और फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। जब कथा बुद्धि में बैठेगी, अभी तो घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, मर पड़ते हैं, अमर बनते ही नहीं, अमरपुरी में जाते ही नहीं, तो उसका नाम है सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीसरा नेत्र खुलने की तीजरी की कथा। वो कथा कन्याएं बहुत सुनती हैं, जरूर ऐसी कोई कन्या होगी जिसकी बुद्धि उस कथा का इंतजार करती हो। काशी नगरी में कहते हैं कि जो अघोरी सन्यासी होते हैं वो शमशान घाट में मुर्दों को जलते जलते खाते हैं। खींच कर लाश को ले जाते हैं,
इसका बेहद में अर्थ क्या है? काशी से लगता हुआ कोई और भी गायन है, मरने के संबंध में काशी में मरेंगे तो सीधे स्वर्ग में जावेंगे, ये गायन है। काशी के घाट बहुत प्रसिद्ध हैं, शमशान घाट भी प्रसिद्ध है, तो शमशान घाट में जो तांत्रिक सन्यासी होते हैं उनके लिए दिखाया जाता है, उनको अघोरी सन्यासी कहते हैं। ये तांत्रिक विद्या थर्ड क्लास विद्या है, तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मुर्दे की आग पर जाकर के चावल पकाते हैं, उन चावलों को सिद्ध करके तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं। तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि शंकर पार्टी में तो खिचड़ी खिलाई जाती है, वो तांत्रिक है, खिचड़ी खिला करके बुद्धि खराब कर देता है। अब ऐसी बात तो कोई है नहीं, यहां तो मरने की बात है उस दुनिया से। ये दुनिया जैसे कि है ही नहीं, जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा, हे राम ये दुनिया बनी ही नहीं, अपने देह भानु को मारने की बात है। जब देहभान मरता है या देह मरती है, आत्मा निकल जाती है, मुर्दा बन जाता है, तो मुर्दे को भी जलाया जाता है। राख भी न रहे, इसलिए वो सन्यासी, अघोरी सन्यासी मुर्दे की राख मलते हैं शरीर में। समझते हम राख बन गए, हमने देह भानु को जलाई दिया। जैसे वो जैनी सन्यासी नंगे रहते हैं, समझते हम आत्मा बन गए, नंगी आत्मा। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, असली बात है जो आत्मा रूपी चावल है वो ज्ञान योग की अग्नि में पकाया जाना है।
योगाग्नि ऐसी तीव्र चाहिए जैसे जगन्नाथ मंदिर में चावलों का हंडा चढ़ाया जाता है, तो एक साथ उसके चार भाग हो जाते हैं, अर्थात चारों ही मुख्य धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं किसी ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद परिपक्व बन जाती है। और जो ज्ञान में योग में परिपक्व आत्माएं हैं वो ऐसे ऐसे करिश्मे करके दिखाती है जो दुनिया बंदर खावेगी। विज्ञान के चमत्कार फीके पड़ जावेंगे। और इन सहज राजयोगियों के चमत्कार संसार में विख्यात हो जावेंगे। इस विज्ञान के ऊपर ये ईश्वरीय ज्ञान जीत पालेगा। तुम्हारा असली ज्ञान है विज्ञान, विशेष ज्ञान योग का, जिस योगाग्नि में आत्मा रूपी चावल पक जाता है। उस चावल का बहुत महत्व है। देवान का छिलका नहीं है, देवान भी खलास और परिपक्वता भी आ जाए जीवन में, अनुभवी जीवन बन जाए। भक्ति मार्ग में तो उन अघोरियों सन्यासियों को दिखाया गया है जो बाहर से बड़े बड़े गंदे गंदे कर्म करते हैं, देखने में आता है। लेकिन अंदर में चमत्कारी जीवन होता है, वो है भक्ति मार्ग की अघोरी। और हम बच्चे हैं ज्ञान मार्ग के अघोरी, बेहद के अघोरी हैं। हमारे चमत्कार ऐसे विख्यात होंगे संसार में कि नरक की दुनिया स्वर्ग बन जावेगी। जो राक्षसी कर्म करने वाले हैं वो भी देवता बन जावेंगे। और क्रोध आता है तो क्रोध भी कल्याणकारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोध के बगैर तो इस पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए विनाश भी कल्याणकारी है। कारण देखा जाता है क्रोध क्यों आया, अच्छाई के लिए आया या बुराई के लिए आया। कोई भी काम करते हैं
तो उसके मूल में भाव देखा जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी विभिन्न मनीषियों ने बोला है, भाव प्रधान विश्व रचिराखा, उस भाव के अनुसार अच्छे बुरे भाव होते हैं, उस भाव के अनुसार जो जस कर्म करे तस फल चाखा। कर्म तो वही है, एक ही कर्म अच्छे भाव से किया जाता है और वही कर्म बुरे भाव से किया जाता है। किसी का अनिष्ट करने के लिए का किया जाता है, तो फल में बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे गीता में लिखा है, आत्मभाव में प्रतिष्ठित होने वाली आत्मा सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो कहां आत्मभाव और कहां देहभान, देहभान तो सबसे बड़ा स्वार्थ है। देह होती है तो देहभान होता है और देहभान से ही स्वार्थ आता है। रथ जिनको होता है उनको ही स्वार्थ होता है। एक भगवान है जिसको रथ नहीं है, वो ही निस्वार्थी है, निष्पाप है। बाकी तो दुनिया में जो भी देव आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पाप आत्माएं, राक्षसी आत्माएं हैं, सबको देह है, देहभान है, सबको अपना अपना रथ है। तो रथ होने के कारण सब स्वार्थी है, रथ के द्वारा सुख भोगने वाले हैं। एक बाप है आत्माओं का, जिसको अपना रथ नहीं है और वो इस सृष्टि पर आता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बना कर जाता है। ऐसा बना के जाता है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाता है, 100% आत्मनिष्ठ बनाकर जाता है। तो बेहद का बाप आत्माओं का, वो विनाश का निमित्त नहीं है। विनाश का निमित्त कौन बनता है, हैं? कौन बनता है? शंकर, शंकर द्वारा विनाश। तो क्या शंकर का भाव खराब होता है जो सारी दुनिया का विनाश कराता है? भाव अच्छा है या भाव खराब है? अच्छा भाव। इसलिए बोला, बाप आए हैं पाप में पाप बढ़ाने का, रहम करने के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों में उतनी शक्ति नहीं होती है, पाप करते हैं लेकिन पाप करने में अति नहीं ला सकते, अति का अंत नहीं हो पाता। इसलिए पाप की दुनिया में पाप करते करते नाक ही रगड़ते रहते हैं,
पापों का अंत नहीं होता। तो बाप आकर के पापों में पाप बढ़ा करके अति का अंत कराए देते हैं, जल्दी काम हो जाता है, विनाश होने में देर लगती है, 100-200 साल लगते हैं, यह जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसलिए बोला जाता है हर हर बम बम। वो बम्ब बनाने वाली आत्माएं इतनी हिम्मत वाली नहीं है जो अपने ही बनाए हुए बम्ब का बिना विस्फोट कर सकें, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इसी दुनिया में हम रहे पड़े हैं जिसमें बम्ब का विस्फोट होने वाला है, इसलिए उनमें हिम्मत नहीं आती है। अपनी देह का रथ का स्वार्थ भरा रहता है जो बम्ब विस्फोट नहीं होने देता। तो आत्माओं का बाप आकर के जिसे आप समान बनाते हैं, कैसा आप समान? देह होते हुए भी जैसे नहीं है, आंखें होते हुए भी जैसे आंखें नहीं है, कान होते हुए भी जैसे कान नहीं है, इंद्रियों का कोई मोह नहीं है, इसलिए गायन होता है शंकर द्वारा विनाश। वाइब्रेशन ही चेंज कर देते हैं आत्मा के। शिव मुकर्रर रथ में आते हैं और वो मुकर्रर रथधारी आत्मा मनुष्य सृष्टि की कोई भी आत्मा में प्रवेश करके अपना कार्य करा लेती है। उसका वाइब्रेशन ही चेंज कर देती। वातावरण ही बदल जाता है। और जो न करने योग्य कार्य है उस कार्य को करने की योग्यता ही नहीं है, वो कार्य कराए देता है। और ज्ञानी तो आत्मा भगवान का विशेष कार्य है। ज्ञानी तो आत्मा माना भगवान का विशेष कार्य है। ज्ञानी तो आत्मा के हाथ में ज्ञानी तो आत्मा को भगवान का विशेष कार्य है। अरे हाथ तो उठाओ, तो कैसे बोल रहे हो? ज्ञानी तो आत्मा को भगवान का विशेष कार्य है। क्या कार्य है? प्यार है, ज्ञानी तो आत्मा प्यार है, प्यार है भगवान। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है भगवान को। हाँ, लेकिन उतना सांसिक्ति नहीं है, है? उतना सांसिक्ति नहीं है ज्ञानी तो आत्मा में। ज्ञानी तो आत्मा में सहन शक्ति नहीं है। ये मुझे क्या तुम बाबू बताया? हाँ, ज्ञानी तो आत्मा को उतना सांसिक्ति नहीं है। क्यों? अभी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थी है। जब संपूर्ण ज्ञानी बने, यथार्थ ज्ञानी बने, प्रैक्टिकल जीवन ज्ञान युक्त बने, तो सहन शक्ति आ जाएगी। सहन शक्ति उतनी ही होती है जितनी आत्मा में प्योरिटी होती है। पवित्रता की पावर है तो सहन शक्ति है।
पवित्रता की पावर नहीं तो सहन शक्ति भी नहीं। ये सहन शक्ति देवताओं का विशेष गुण है। देवताएं सूर्यवंश से चंद्रवंश में होते हैं। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस में देवताएं नहीं होते हैं, इसलिए उनमें सहन शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो विपरीत धर्म है पवित्रता के लिए। इसलिए विनाश के निमित्त बनते हैं। जाड़ के चित्र में भी दिखाया है, जड़ों में विदेशियों की ओर बैठा है बाप और स्वदेशियों की तरफ बैठी है माँ। प्योरिटी से स्थापना होती है और इम्प्योरिटी से क्या होता है, विनाश होता है। पुरुषों में दुर्योधन दुशासन वृत्ति होने के कारण इम्प्योरिटी होती है। कन्याओं माताओं में पवित्रता होती है। कन्याओं माताओं में लज्जा का आवरण रहता है, इसलिए पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा रहते हैं। सहन शक्ति के आधार पर ही स्थापना होती है। ब्रह्मा में सहन शक्ति थी तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म तैयार होता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। फिर बाप आकर के ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। काय की शिक्षा देते हैं, सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। जरूर उन ब्राह्मणों में जिनको बाप ने शिक्षा दी है सहनशीलता नहीं होगी, प्योरिटी की पावर नहीं होगी, तब तो आकर के देते हैं। हाँ, ज्ञान को पसंद करते हैं। ज्ञान बाप से आता है, वो अपवित्र बच्चे बाप को प्रिय हैं, इसलिए पतितम काम ही कांटे को चुनते हैं। बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए बाप ये नहीं देखते कि ये पतित है। बाप क्या देखते हैं, बाप देखते हैं कि मेरे को पहचानने वाले बच्चे कौन हैं, कौन सा विशेष गुण देखते हैं, बच्चों में कौन सी विशेषता है जो बाप को बहुत प्रिय है। दुनिया बाप को नहीं जानती और बच्चे बाप को जानते हैं। ये सूर्यवंशी बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे, जो बाप को पहचानते हैं। चंद्रवंशी बाप को पहचानते हैं, नहीं पहचान पाते। और बाबा, शिव बाबा में ज्ञान है, शिव बाबा में ज्ञान है, हाँ जी, लेकिन शिव बिंदु में नहीं और बाबा में नहीं, शिव बाबा में है, एक मामले में पॉइंट है, हाँ जी, शिव बाबा में ज्ञान है। शिव आत्मा का नाम है,
आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जड़वत या चैतन्य कहेंगे, जड़वत है तो जड़वत है तो ज्ञान कैसे कहें? कैसे पता चलता है कि ये ज्ञान सागर बाप है? कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं। अगर सुनावे ही नहीं तो जड़ हुआ या चैतन्य हुआ? तो जड़ है, तो सिर्फ बिंदु कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ शरीरधारी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसमें आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु प्रवेश न करे, दोनों के मेल से ये सृष्टि बनती है। सृष्टि दो का खेल है या एक का खेल है? दो का खेल है। दो के खेल में ही मजा है। ये पहली प्रवृत्ति है। कौन सी? नहीं, शिव ज्योति बिंदु और मनुष्य सृष्टि का पिता जिसे कहा जाता है शंकर, दोनों का मेल किया जाता है। प्रवृत्ति बनती है तो नाम क्या पड़ता है? शिव शंकर। ये संसार की पहली प्रवृत्ति है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है वो तो पूर्व जन्मों की बात भूल जाती है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी तो जन्म मरण के चक्र में आता है। वही तो बाबा है, धर्म पिताओं का भी पिता है, बापों का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव ज्योति बिंदु सिर्फ आत्माओं का बाप है या ग्रैंडफादर है? बाप है। ग्रैंडफादर की तो बात ही नहीं। शिव को नहीं कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, लेकिन वो शिव जब तक मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश न करे तब तक वो मनुष्य सृष्टि का पिता भी ग्रेट ग्रेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं होगी। तब तक कोई जानेगा ही नहीं। और बाबा एग्री की आदि में 36 से पहले दोनों माता एक ही घर में रहती क्या बाबा? सन 36 से पहले एक ही और दो तीन ज्ञान था ही कहाँ है? यज्ञ की आदि में 36 से पहले तो बाप ही नहीं आता तो ज्ञान भी नहीं होता। अपने गुरुजी से पूछ लो, पहले पूछो गुरुजी से पूछो क्या लिखा है, हमको मत दिखाओ। और भक्ति मत में योग माया विष्णु माया कहते हैं ना? योग माया विष्णु माया योग माया है? योग माया हाँ योग माया कहते हैं।
योग माया इसलिए कहते हैं कि जब योग में हम बैठते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो भगवान बाप से योग लगाते हैं, उनके पास ही माया का रूप आता है। औरों के पास नहीं आता, इसलिए उसको योग माया कहा जाता है। बाकी विष्णु तो स्वर्ग का देवता है, पुरुषोत्तम संगम युग का देवता है, स्वर्णिम युग का देवता है, वहां माया कहां से आएगी? और शंकर अभ्यास मृत्यु पाठ में बाबा शंकर अभ्यास मृत्यु पाठ में दो शंकर का एंड वंडरफुल पाठ इसे बच्चे समझ नहीं सकते। तीन आत्मा एक ही शरीर में तीन आत्मा पाठ बन जाता ये पूछना क्या है बच्चों? तो वंडरफुल पार्ट है ना, बच्चों का भी वंडरफुल है, बाप का भी वंडरफुल पार्ट है, और शंकर भी बाप का बच्चा है। जब और बच्चों का वंडरफुल पार्ट है तो बड़े बच्चे का भी वंडरफुल पार्ट ही होगा। हाँ बच्चे बच्चे समझ नहीं सकते पार्टी का वंडरफुल पार्टी का। हाँ तुम बच्चे भी भूल जाते हो। तीन आत्मा पार्ट बजे था, तीन आत्मा पार्ट पार्ट बजे था, हमें एक शरीर में हाँ के पैटर्न के हाँ? तो बाप का पैटर्न में हाँ। अरे पूछना क्या है, क्या वंडरफुल पार्ट है? यही तो वंडरफुल पार्ट है जो बच्चे समझ न सके। जो बाप के बच्चे हैं, जो बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं, ज्ञानी तू आत्मा कहे जाते हैं, जो बाप को बहुत प्रिय हैं, वो बच्चे भी शंकर को समझ न सके। बाप को समझ सकते हैं लेकिन शंकर को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो समझा हुआ होगा वो दूसरों को भी समझा सकता है कि नहीं? समझा सकता है। यहां तो बाप कहते हैं कि शास्त्रों में दिखाया है शंकर ने विष पिया तो गला काला हो गया। अभी यहां तो यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। एक ही बात समझानी है जो सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं ब्राह्मणों की दुनिया के, लेकिन वो बात ही नहीं समझा पाते। दुनिया भर का ज्ञान का विस्तार करते हैं, चार चार छह छह घंटे एक चित्र पर बैठ समझाते हैं, लेकिन बाप की समझानी नहीं दे पाते। समझाते समझाते गला रुंध जाता है, सूख जाता है। रास्ते से भी इधर उधर हट जाते हैं, कोई तो उल्टी ही समझानी दे देते हैं। उल्टी समझानी दे करके और ही पदभ्रष्ट करवाए देते हैं। तो वंडरफुल पार्ट हुआ ना, बच्चे तो नंबर वार हैं। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, तो बच्चों के बीच में
सबसे ज्यादा वंडरफुल पार्ट किसका होगा? है? अरे बड़े से बड़े बड़ेले बच्चे कहे जाते हैं त्रिमूर्ति, तीन देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी कहावत है देव देव महादेव, ब्रह्मा देवता विष्णु देवता, ब्रह्मा को नीचे विष्णु को और ऊपर और शंकर को उससे भी ऊपर। तो ब्रह्मा देवता विष्णु देवता और उन दोनों का भी देव देव महादेव, ब्रह्मा को महादेवता नहीं कहेंगे, विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे। हाँ ब्रह्मा से बड़ा है विष्णु, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं है, तो विष्णु से भी बड़ा कौन? महादेव। तो जो बड़ा बच्चा है वो ज्यादा वंडरफुल पार्ट बजाएगा या और बच्चे वंडरफुल पार्ट बजाएंगे? है? बड़ा बच्चा ज्यादा वंडरफुल पार्ट बजाएगा। और सतयुग में देवताओं को बुद्धू क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बुद्धू? है? क्योंकि उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का कुछ पता नहीं है, आगे क्या होने वाला है, आगे के जन्मों में हम गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं ना? देवताओं को पता है, देवताओं को इस बात का पता नहीं। और हमें तो पता है कि अब आगे के जो भी जन्म आएंगे उनमें हम उड़ती कला में जावेंगे, उठती कला में। अब हम नीचा जन्म पाने वाले नहीं हैं, हमारा नया जन्म होगा और श्रेष्ठ जन्म होगा। देवताओं की इस बात का पता ही नहीं है कि अगले जन्मों में हम लगातार नीचे गिरते जाएंगे, 16 कला से 14 कला में आ जाएंगे, 14 कला से नीचे गिरते गिरते 8 कला में आ जाएंगे, रावण संप्रदाय में चले जाएंगे, रावण के चंबे में आ जाएंगे, रावण राज्य में चले जाएंगे। इस बात का पता देवताओं को नहीं है, इसलिए बुद्ध हुए। 16 कला माना क्या होगा? चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? अमावस्या से पूर्णमासी की ओर चंद्रमा बढ़ते बढ़ते 16 कला संपूर्ण बनता है, और पूर्णमासी के बाद कलाएं घटते घटते कलाहीन बन जाता है। तो कौन सी कलाएं अलग अलग हैं या उसके प्रकाश का मेजरमेंट है? उसका प्रकाश बढ़ता है तो उसको 16 कलाओं में बांट दिया है। बाकी कोई अलग अलग कलाएं थोड़े ही हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो गुण भी बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ती है गुण बढ़ते हैं, प्योरिटी बढ़ती है, तो कहते हैं कलाएं 16 कला संपूर्ण हुआ। घटती है तो कहेंगे कलाहीन हुआ।
मीठा बाबा कहा जाता है। देवताओं को मीठा क्यों नहीं कहते? है बताओ, मीठा को मिलाने से क्या होगा? दूध हो पानी हो उसमें मीठा मिला दें, कोई कड़वा रस हो उसमें मीठा मिला दें, तो मिठास बढ़ेगा ना मीठा डालने से। एक शिव बाबा है जो जिसका भी संग करेगा या उस शिव बाबा का जो भी संग करेगा वो मीठा ही बनेगा। और आत्माओं का संग करेंगे चाहे वो देवात्मा ही क्यों न, मीठे बनेंगे या कड़ुए बनेंगे? कड़ुए बनेंगे। इसलिए देवताओं को मीठा नहीं कहा जाता, किसको कहते हैं? शिव बाबा ही मीठा है। और किसने दिया ये, क्या लिखा है? मीट लिख दिया, मीट है। बापा दादा मीठा माना क्या है? ये बोला क्या? ये बाप दादा कौन है? जो आत्माओं का बाप है वो मनुष्यों के बाप में आता है। दोनों मिलकर के बाप हैं। क्योंकि राम वाली आत्मा में आता है जिसे राम बाप कहा जाता है। शिव आत्माओं का बाप है। दोनों बाप हैं तो बाप है, और दोनों नहीं है, एक दूसरे में साफ नहीं है। अर्थात शिव ने बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें प्रवेश नहीं किया है तो बाप नहीं कहेंगे। बाप बाप कब है, कब पता चलता है कि ये बाप है? जब जब प्रवेश करता है तब पता चलता है। प्रत्यक्षता वर्ष में कि ये हमारा बाप है। अगर प्रवेश न करे तो बाप बाप नहीं। और दादा बड़े भाई को कहा जाता है। बड़ा भाई कौन हुआ? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उसकी पहचान तब होती है जब शिव बाप उसमें प्रवेश करे। बाप को बीज कहा जाता है और उस बीज से वृक्ष पैदा होता है।
उस वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण है। इसलिए सब पत्तों में बड़ा पत्ता है। तो कहावत है ना, दादागिरी दिखाते हो। दादा किसको कहा जाता है? जो सबसे बड़ा है। बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। बाप नहीं है लेकिन बाप समान कहा जाता है। इसलिए वो दादा है, बाप नहीं है। तो दोनों मिलकर के बाप दादा कहा जाता है। सतयुग में पहले नारायण को प्रजा चाहिए या नहीं चाहिए? है? अरे चाहिए। वो प्रजा कहाँ तैयार होती है? है या संगम में ही तैयार होती है। पहला नारायण कौन सी आत्मा बनेगी? है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जरूर ज्ञान देकर के कुछ आत्माएं तैयार की होंगी जो ब्रह्मा बाबा से बहुत प्रभावित हो गई जिंदगी में। और कोई ब्राह्मण से प्रभावित नहीं हुए जितने ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हुए। तो प्रभावित माना प्रजा। जो आत्माएं ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हो गई उनके लिए ब्रह्मा बाबा पिता हो गए, राजा हो गए, और प्रभावित होने वाली उनकी प्रजा हो गई। यज्ञ के आदि में जो यज्ञ छोड़ करके चले गए, परवाह नहीं की, नशे में आ गए, अलख को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही, बाढ़ में जाओ लो अपनी विश्व की बादशाही, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बादशाही, मान मर्तबा रखो अपने पास अपना मान मर्तबा, क्योंकि उनको तो भगवान मिल गया, ये विश्वास पक्का हो गया। तो उन आत्माओं के लिए जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को और ब्राह्मणों को छोड़ के चले गए उनको प्रभावित कहेंगे? है कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनकी प्रजा नहीं थे। वो प्रभावित होने वाली आत्माएं नहीं थी। बल ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स उन आत्माओं से कभी प्रभावित हुए होंगे। तो जो प्रभावित करने वाला है वो राजा है या पिता है, और प्रभावित होने वाले प्रजा अर्थात बच्चे हैं। प्रकष्ट रूपेण जायते, प्रकष्ट रूप से जो जन्म लेते हैं ज्ञान में उनको प्रजा अर्थात बच्चे कहा जाता है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं,
तो बाबा इस वाक्य में ये इन शब्द किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला है? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के लिए बोला है। अगर सिर्फ कृष्ण के लिए बोला होता, ब्रह्मा के लिए बोला होता तो इस बोलते, लेकिन इस एक वचन है और इन बहुवचन है, कम से कम दो चाहिए। तो राम और कृष्ण दोनों के लिए बोला कि सदैव समझना चाहिए कि हमें डायरेक्शन किसके द्वारा मिलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा डायरेक्शन नहीं है, उनके द्वारा डायरेक्टर नहीं है। किसके द्वारा डायरेक्टर है? राम और कृष्ण के द्वारा डायरेक्शन देता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ, मनुष्य का डायरेक्शन समझा, बल ये दोनों मनुष्य हैं जिनके द्वारा डायरेक्शन देता हूं, उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को अगर ईश्वर का डायरेक्शन नहीं समझा तो मुझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलो, ये मेरे किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? अरे शिव बाबा के लिए बोला, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। राम के लिए बोला ना, कृष्ण के लिए बोला। डायरेक्शन देने वाली आत्मा कौन? शिव बाबा। राम डायरेक्शन देने वाला है, कृष्ण वाली आत्मा डायरेक्शन देने वाली है? नहीं, वो तो पार्ट बजाने वाले रंगमंच पर एक्टर हैं। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और वहां से बोलता रहता है धीरे धीरे, एक्टर्स को डायरेक्शन देता रहता है, ऐसे ऐसे बोलो। तो डायरेक्टर तो दिखाई नहीं देता, वो शिव बाबा है, और रामकृष्ण तो देखने में आते हैं। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इन द्वारा जो कुछ होता है, ब्रह्मा के द्वारा अथवा शंकर के द्वारा, राम के द्वारा अथवा कृष्ण के द्वारा, जो कुछ होता है अच्छा या बुरा तुम्हारी नजर में, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कौन है रिस्पॉन्सिबल? शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल, शिव बाप। उनको हम राइट कर ही देंगे। क्या बल तुम सबकी दृष्टि में वो राइट नहीं कर रहा है? कौन? राम या कृष्ण? जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में वो अनराइटियस है, रंग है, परंतु राइट या रंग जो कुछ भी इनके द्वारा होता है उसका जिम्मेवार मैं हूं। उनकी एक्टिविटी को हम राइट कर ही दूंगा,
माने आगे चल करके तुमको पता चलेगा कि जिसको हम अनराइटियस समझते थे, रंग काम करना समझते थे, वो रंग नहीं, वो भी राइट साबित हो गया। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? हाँ, जो भी सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के या विजयमाला के बच्चे हैं उनके लिए बोला नंबर वार कि तुम हमारे डायरेक्शन पर चलो।